हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जय और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पॉइंट ऑफ स्टडी में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड सत्र 2022-24 सेकंड मेरिट लिस्ट बिहार के बारे में। दोस्तों, यहां पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा डीएलएड सत्र 2022-24 बिहार का सेकेंड मेरिट लिस्ट कल यानी 30 नवंबर को ही यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और अब आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल से अब आप सेकेंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देंगे कि आप कैसे यहाँ पर जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको एडमिशन कराने से पहले यहाँ पर कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है उसको भी हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी डीएलएड सेकेंड मेरिट लिस्ट को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो डीएलएड का पोर्टल है कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप जैसे ही नीचे आते हैं तो आपको साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर स्टूडेंट के लिए जो है यहाँ पर आप यूजर नेम, आप एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डालेंगे यूजर नेम के लिए। और यहाँ पर पासवर्ड में आप अपना डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे। देन यहाँ पर जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है साइन इन का। तो यहाँ पर जो है आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड में जन्मतिथि डालकर यहाँ पर लॉग इन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए यहाँ पर हम अपने यूजर नेम और पासवर्ड को फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड फिलअप कर लेंगे। देन फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपके सामने लॉग इन का ऑप्शन आ जाता है। तो सिंपली आप लॉग इन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप लॉग इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे आपके सामने यह डैशबोर्ड ओपन होता है तो सबसे ऊपर में ही आपको इनिमिएशन लेटर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, तो सिंपली आप इनिमिएशन लेटर पर क्लिक करेंगे। और जैसे आप इनिमिएशन लेटर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे डैशबोर्ड ओपन हुआ है तो यहाँ पर इनिमिएशन लेटर कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है। आप देख सकते हैं और यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द्वितीय सूचना पत्र, सेकेंड इंटीमेशन लेटर, और यहाँ पर आपको फ्रेंड्स इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है। सारी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। और जैसे आप यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं चार नंबर में आपका जो है महाविद्यालय का कोड एवं नाम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने आवंटित कॉलेज का नाम यहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसे प्रिंट करने के लिए आप जो है यहाँ पर नीचे में आपको प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज आवंटन तो हो चुका है उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक अपने महाविद्यालय में नामांकन करवा लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सारी जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। आप इसको पूरे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी दी गई है। जो भी यहाँ पर मुख्य चीज़ है यहाँ पर आप इसको रीड कर सकते हैं और सारी जानकारी को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप डैट इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि इस प्रकार से आप भी सेकेंड मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करेंगे। आई होप फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अंत में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से अगले नए वीडियो के साथ।